दोस्तों आज मैं आप लोगों को सैमसंग गैलेक्सी जे सेवन नेक्स्ट के एक ऐसे फीचर के बारे में बताने वाले हैं जो आपके लिए बहुत ही यूज़फुल होगा। अगर आप इस फीचर को एक्टिवेट करके रखते हैं तो आप अपने डेटा को सेफ रख सकते हैं, यानी फालतू के खर्च से बचा सकते हैं। तो अगर आप इस फीचर के बारे में जानना चाहते हैं कैसे एक्टिवेट करना है, कैसे यूज़ करना है, तो वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक पूरा देखते रहिए। तो नमस्कार दोस्तों, मैं हूं विभास माजी और आप देख रहे हैं व्यूज वर्ल्ड। हमारे चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो आप देखे होंगे कि अगर आपके घर में बच्चे होते हैं तो आपके फ़ोन को लेकर वीडियोज़ देखते हैं या फिर आपके फ़ोन में प्ले स्टोर ओपन करके अनवांटेड एप्लीकेशंस को इंस्टॉल कर देते हैं, जिस वजह से आपके डेटा ख़त्म हो जाता है और जब आपको ज़रूरत पड़ता है मोबाइल डेटा का तो आप उसे यूज़ नहीं कर पाते हैं क्योंकि पहले वो ख़त्म हो जाते हैं। तो अगर आप इस फीचर्स को एक्टिवेट करके रखते हैं, इस सेटिंग को, तो आप अपने डेटा को सेफ रख सकते हैं, यानी जब आपको ज़रूरत पड़ेगा तो आप उसे यूज़ कर सकते हैं। तो चलिए मैं आपको दिखाता हूँ कि ये फीचर क्या है, कैसे एक्टिवेट करना है और कैसे आप इसे यूज़ कर सकते हैं। तो अगर आप अपने फ़ोन के नोटिफिकेशन पैनल पर आते हैं तो आपको यहाँ पर एक ऑप्शन मिलता है मोबाइल डेटा। तो अगर आप यहाँ पर होल्ड करते हैं अपने फिंगर से, यानी लॉन्ग प्रेस करते हैं, तो आपके सामने एक सेटिंग ओपन होता है जहाँ पर ऊपर में देख सकते हैं लिखा हुआ है डेटा यूजेस। तो आपको यहाँ पे आना है, तो आपको यहाँ पे पहले ये चेक करना है कि आप कौन से सिम में डेटा यूज़ करते हैं। तो देख सकते हैं यहाँ पे दोनों ऑप्शंस है, सिम वन भी दिया हुआ है और यहाँ पे सिम टू भी है। तो आप दोनों में ये सेटिंग को एक्टिवेट कर सकते हैं, या फिर अगर आप मान लीजिए सिम वन पे नेट चलाते हैं तो आप उसमें भी एक्टिवेट कर सकते हैं, अगर आप सिम टू में चलाते हैं तो आप उसमें भी एक्टिवेट कर सकते हैं। तो चलिए मैं आपको दिखाता हूँ कि कैसे इसे यूज़ करना है। तो आप देख सकते हैं सिम वन ऊपर में लिखा हुआ है, उसके नीचे अगर आप आते हैं तो आपको एक ऑप्शन मिलता है बिलिंग साइकिल एंड डेटा वार्निंग। तो आपको इस पर क्लिक करना है। इसमें क्लिक करने के बाद आपके सामने कुछ ऑप्शंस आते हैं, जिसमें से एक ऑप्शन होता है सबसे पहला स्टार्ट बिलिंग साइकिल ऑन। तो इसमें आपको क्लिक करना है और क्लिक करने के बाद करेंट डेट को चूज़ करना है। आज का डेट है 16, तो हम यहाँ पे 16 चूज़ कर लिए हैं। अब सेट पे क्लिक कर देते हैं। अब अगर आप नीचे देखते हैं तो आपको यहाँ पे एक ऑप्शन मिलता है सेट डेटा लिमिट, इसे भी आपको इनेबल करना है। जैसे आप इसे इनेबल कीजिएगा नीचे आपको और एक ऑप्शन मिलेगा डेटा लिमिट। तो आगे बताने से पहले मैं आपको एक ऐप पे ले जाता हूँ जिसका नाम है इंटरनेट स्पीड मीटर लाइट। इस ऐप के थ्रू आप चेक कर सकते हैं कि आप डेली कितनी डेटा यूज़ करते हैं। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं आज अभी तक हम 35 MB डेटा यूज़ किए हैं। फिर से मैं आपको ले जाता हूँ सेटिंग पे। अब यहाँ पर आपको क्लिक करना है डेटा लिमिट पर, और डेटा लिमिट पर क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पर लिखना है 30, और साइड में अगर आप देखते हैं लिखा है GB, इस पर आपको क्लिक करना है और यहाँ से MB सेलेक्ट करना है। तो आप देख सकते हैं हम यहाँ पे टाइप किए हैं 30 और साइड में चूज़ किए हैं MB, यानी ये हो चुका है 30 MB। अब आपको सेट पे क्लिक करना है। सेट पे क्लिक करने के बाद नीचे एक ऑप्शन आता है, इसे कैंसिल कर दीजिए, और कैंसिल करने के बाद आप देख सकते हैं कि मेरा मोबाइल डेटा ऑफ हो चुका है। अब मैं आपको डिटेल्स में बताता हूँ कि मेरा मोबाइल डेटा ऑफ क्यों हुआ है। तो आप यहाँ पर देखिए मेरा जो डेटा लिमिट था वो सेट किया हुआ था 30 MB, लेकिन हम यहाँ पे कितना MB यूज़ कर चुके हैं, 36 MB का। तो डेटा लिमिट अगर आप यहाँ पे सेट करके रखते हैं तो आपको ये एडवांटेज मिलता है, ये फ़ायदा मिलता है कि जब भी डेटा लिमिट को क्रॉस कर जाता है तो ऑटोमेटिकली आपका मोबाइल डेटा ऑफ हो जाता है। अब मैं आपको बताता हूँ कि इसे कैसे यूज़ करना है। मान लीजिए आपका डेली डेटा 2 GB का है, यानी डेली आपको डेटा 2 GB मिलता है यूज़ करने के लिए। तो आप चाहते हैं कि अगर कोई भी आपके फ़ोन यूज़ करता है, कोई भी बच्चा है फिर कोई भी, तो उसके लिए आप 400 डेटा लिमिट सेट करके रख देते हैं। यानी अगर वो यूज़ भी करता है बहुत ज़्यादा तो जैसे ही 400 क्रॉस करेगा ऑटोमेटिकली मोबाइल डेटा ऑफ हो जाएगा और उसे लगेगा कि आपके मोबाइल का जो डेटा है वो ख़त्म हो चुका है। और इसी तरीके से आप अपने डेटा को अपने लिए, कोई पर्सनल यूज़ के लिए सेफ रख सकते हैं। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि ये पूरा प्रोसेस आप लोगों को समझ में आ गया होगा और ये वीडियो आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट भी होने वाला है। तो अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, अपने फ्रेंड्स और रिलेटिव के साथ शेयर कीजिए, और अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो जल्दी से जल्दी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि ऐसे ही इंपॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग वीडियोज़ मैं आप लोगों के लिए लाता रहता हूँ। तो आज के वीडियो में सिर्फ इतना ही। जय हिंद।